आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 1 मार्च से खुलेंगे प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालय। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, शासन के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। अभिभावकों से की अपील, कहा छात्रों को जबरदस्ती ना भेजें स्कूल। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के सफल संचालन के लिए सीएमओ की अध्यक्षता में चिकित्सकों और संचालकों की बैठक हुई संपन्न। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क निजी अस्पताल अधिकतम ले सकेंगे 250 रुपए, जबकि गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय ने टीकाकरण मात्र 150 रुपए में करने का किया ऐलान। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए केमिकल युक्त मच्छरदानी HIL इंडिया लिमिटेड ने किया लॉन्च। कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने बताया, केमिकल युक्त मच्छरदानी से मच्छर जनित बीमारी पर लगेगा लगाम, नहीं होगा कोई साइड इफेक्ट। सिविल लाइन्स स्थित नजूल की भूमि पर 19 अवैध कब्जेदारों की भूमि को सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय की बेदखली आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने कराया खाली। तहसीलदार सदर ने कहा, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। DIG SSP जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिले के समस्त थाने के पैरोकारों के साथ बैठक सकुशल हुई संपन्न। विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। एक संस्था द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय बनकटी चक के जीर्णोद्वार एवं सुंदरीकरण के कार्यों का किया बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने लोकार्पण। संस्था के प्रति जताया आभार। महानगर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग लगभग तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं लोकार्पण, लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 1 वर्ष से बंद 1 से 5 तक की कक्षाओं का 1 मार्च से शुरू होगा संचालन। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों को सजाया गया गुब्बारों से। BSA ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पूरा पालन। वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन और शाही ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा मेगा हेल्थ कैंप का पुलिस लाइन में किया गया आयोजन। लगभग 300 पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण RTC महिला प्रशिक्षु तथा उनके परिजनों का किया गया निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। गोरखपुर में रविवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,470। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 20 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा निकाली गई कोरोना जागरूकता रैली। मानव श्रृंखला बनाकर कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने के लिए किया गया जागरूक। और ग्रामीण क्षेत्र के दक्षिणांचल में बिस्टौली खुर्द गांव के राधा कृष्ण मंदिर पर स्वर्गीय राम मूरत यादव नाइट क्रिकेट दुक्की प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। खिलाड़ियों ने अपने खेल का दिखाया प्रदर्शन, दर्शकों ने किया उत्साहवर्धन।